हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन है तो अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही आइकन ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ब्राइटनेस लेवल है तो अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन है तो अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पर सर्च कर देना है अडेप्टिव ब्राइटनेस, यहाँ पर शो हो जाएगा। जिसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो हाईलाइट हो रहा है, जिसको आप यहाँ से ऑन करते हैं जैसे आप देख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ब्राइटनेस लेवल है सेट हो जाता है। इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ से ऑफ भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ में जैसे अगर आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपली आप फ़ोन सेटिंग्स पर जाकर भी अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन है तो अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सिंपली हमारे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको इसमें क्लिक कर देना होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग पर। क्लिक करते ही डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ऑन करते जो हमारी ब्राइटनेस लेवल है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लगती है, और जब हम इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।